हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तिरछी पट्टी या इसे ओरे पट्टी भी कहते हैं, इस पट्टी की कटिंग कैसे करते हैं और क्यों इस पट्टी का यूज़ हम नेक बनाने के लिए करते हैं। तो ये सब मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ओरे पट्टी बनाने के लिए चकोर कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी। यहाँ पर मैंने 13x13 इंच का ये कपड़ा लिया है जिसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ बीच में से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इनमें से आप एक कपड़ा लेंगे और एक कपड़ा हम साइड कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप दूसरे कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस कपड़े पे पट्टी बनाकर बताने वाली हूँ। तो इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये जहाँ से हमने कटिंग करी थी इस साइड से हमें फोल्ड कर लिया है। अब तिरछी पट्टी बनाने के लिए हम पट्टी की चौड़ाई 1.5 या 2 इंच लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच की पट्टी बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो 2 इंच की बना सकते हैं। तो इस तरह से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस तरह से अब हमें निशानों को सीधा कर लेना है। तो हमारी 1.5 इंच की पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। और इसी तरह से हमें अपनी दूसरी भी 1.5 इंच की एक पट्टी और बनानी है। तो इसी के आगे हम 1.5 इंच पे एक निशान और लगाएंगे और इन निशानों को भी मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारी 2 पट्टियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आगे आप 3 या 4 पट्टी भी बना सकते हो। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी तिरछी पट्टी कट गई है। और आगे इन पट्टियों को जोड़ना बताऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये तिरछी पट्टी क्यों काटते हैं नेक बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो हमारे कपड़े होते हैं इनकी बुनाई इस तरह से और इस तरह से सीधी होती है जिससे इनमें खिंचाव नहीं आता है। और इस तरह से तिरछी पट्टी में हमारा खिंचाव होता है क्योंकि इस साइड को धागे नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो हमारी ओरे पट्टी होती है इसमें खिंचाव ज़्यादा होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें खिंचाव होने के कारण आप किसी भी डिज़ाइन में, किसी भी नेक डिज़ाइन में आप जब इन्हें लगाते हैं तो आराम से उनके नेक बन के तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको लगाना कैसे है। अब यहाँ पे हम इस तरह से एक पट्टी को पकड़ेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम अपनी दूसरी पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। एकदम किनारे पे सिलाई लगानी है हमें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और इस तरह से हमने अपनी दोनों ओरे पट्टियों को जोड़ लिया है। इस तरह से आप आगे तीसरी चौथी ओरे पट्टी भी अगर आपको लंबी चाहिए तो आप इसी तरह से जोड़ सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।